नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही कमाल का मुकाबला खेला गया, केकेआर वर्सेस एसआरएच यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में बहुत ही धमाकेदार मुकाबला खेला गया। यहाँ पे दोस्तों जो सुपर ओवर हुआ है, अगर आप भी जानना चाहते हो उस सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए पहले बता देता हूँ, केकेआर के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और यहाँ पे इयान मॉर्गन ने पूरी सेना ने टोटल 5 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में केकेआर ने 163 रन बना डाले, जिसके जवाब में हैदराबाद ने भी 6 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में 163 रन बना डाले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सुपर ओवर क्यों हुआ, लास्ट 6 गेंदों में यानी कि एक ओवर में 18 रन की दरकार थी जीतने के लिए, मगर 17 रन लिए हैदराबाद के बल्लेबाजों ने और ये मैच सुपर ओवर में चला गया। और दोस्तों सुपर ओवर में डेविड वार्नर के साथ जॉनी बेयरस्टो बैटिंग करने के लिए आए। डेविड वार्नर ने पहली गेंद खेली, सामने से गेंदबाजी कर रहे थे लॉकी फर्गुसन जो कि न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाज हैं। इन्होंने पहली गेंद डाली और पहली गेंद पर डेविड वार्नर को डायरेक्टली बोल्ड मार दिया। और फिर दोस्तों दूसरी गेंद अब्दुल समद ने खेली, अब्दुल समद ने 2 रन ले लिया भाग करके। उसके बाद दोस्तों 2 रन के बाद अब्दुल समद दोबारा से स्ट्राइक पे थे। तीसरी गेंद डाली लॉकी फर्गुसन ने और तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को डायरेक्टली बोल्ड मार दिया। और इस तरीके से डेविड वार्नर की सेना यानी कि एसआरएच ने 2 रन बनाए सुपर ओवर में, जिसका पीछा केवल 4 गेंदों में ही कर लिया। पहली गेंद खेली इयान मॉर्गन ने, सामने से राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे, डॉट बॉल निकाल दी इयान मॉर्गन ने राशिद खान ने। और उसके बाद दोस्तों राशिद खान के सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर मॉर्गन ने 1 रन ले लिया, स्ट्राइक पे आ चुके थे दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने तीसरी गेंद खाली निकाल दी और चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने 2 रन ले लिए और इस मुकाबले को सुपर ओवर से अपने नाम कर लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, ऑल प्रेस करें क्रिकेट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।